अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन ऑफ 1945 टू 46 और ये जो है ये हम नेशनल बुक फाउंडेशन से ले रहे हैं क्लास नाइन्थ की लेक्चर सीरीज़ है जिसको आप डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी कोट कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन द एलेक्शन ऑफ फॉर सेंट्रल असम्बली वर हेल्ड इन दिसंबर नाइनटीन 1945 के अंदर सेंट्रल लेजिसलेटिव असम्बली जो कि कानून साजी करते हमारे पास नेशनल असम्बली जो होती है उसने बेसिकली इलेक्शन जो है वो हेल्ड हुए नाइनटीन फोर्टी फाइव के अंदर कायद कायर विजिटेड ऑल कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड हाई लाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिज इलेक्शन फॉर मुस्लिम कायद काजाजम जो थे हर तरफ गए उनको बताया मुसलमानों को कि इन किलेक्शन की कितनी ज़रूरत है द मुस्लिम लीग प्रिपेयर इट्स इलेक्शन मैनीफेस्टो ऑन टू नेशन थेरी मुस्लिम लीग ने अपना इलेक्शन मैनीफेस्टो का मतलब होता है कोई ऐसा आइडिया कि जिसके ऊपर आप अपने ऊपर ऑल थर्टी सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वर वोन बाई मुस्लिम लीग तीस सीटें जो मुसलमानों लिए थी वो मुसलमानों ने ही ली इन द बिगिनिंग ऑफ नाइनटीन फोर्टी सिक्स फॉर द प्रोविजन असेंबलीज प्रोविंस की असम्बली के लिए फिर इलेक्शन हुए स्टार्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी सिक्स के अंदर विध फोर एटी टू सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम जो कि फोर एटी टू सीट्स जो थी वो मुसलमानों के लिए रखती गई थी द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आल् परफॉर्म वेल एंड वॉन द मेजरिटी और जितनी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व सीट्स है उन्होंने मेजोरिटी सीट्स यहाँ पर भी जीत ली सेंटर में भी जीत ली और प्रोविंस में भी जीत ली दाइनटीन फोर्टी फाइव टू फोर्टी सिक्स इलेक्शन प्रूफ दैट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ इंडियन मुस्लिम वैल द कांग्रेस इस इलेक्शन से ये बताया कि मुसलमान जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की एक जमात है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है जो इंडिया में रह रहे हैं जबकि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है द मुस्लिम लीग विक्ट्री इज दिस इलेक्शन पेव द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली मुसलमानों की यहाँ पर जो जीत थी उसने मुसलमानों के लिए बहुत आसानी कर दी कि वो आगे मुस्लिम जो है ना एक कंट्री बना सके इसका नाम पाकिस्तान हो अब दिल्ली कन्वेंशन को बीसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि 1946 के अंदर अप्रैल के अंदर कन्वेंशन ऑफ मुस्लिम लीग विनिंग कैंडिडेट द सेंटर असेंबली वॉज हेल्ड इन दिल्ली जिसके अंदर सेंट्रल और प्रोविंस के दरमियान में जो एक जो लोग जीत चुके थे विनिंग जो लोग थे उनके लिए कन्वेंशन जो है वो रखा गया

ये एक माह हो कि एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट जो है वो बना दी जाए सो so, uh, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्शन को डिस्कस किया डेली कन्वेंशन को डिस्कस किया इसके एम्स पर्पज और इसकी सिग्निफिकेंस जो थी वो डिस्कस की क्योंकि इसने हमारे पास सिग्निफिकेंस है यही है कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का जो है ईजी uh, हो गया वे ठीक है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इफ यू हैवनी केयर इज यू कैन आस्म इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल